नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। भारत बनाम श्रीलंका के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने श्रीलंका को पारी और 222 रनों से मात देते हुए मौजूदा सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस मैच में भारतीय टीम के लिए हीरो साबित हुए रविंद्र जडेजा, जिन्होंने बल्लेबाजी के दौरान 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली और जब गेंदबाजी के लिए उतरे तो 9 विकेट लेकर लंकाई टीम को पूरी तरह से पस्त कर दिया। अब इसी के चलते रविंद्र जडेजा को टेस्ट क्रिकेट में वो मुकाम हासिल हुआ है जो भारतीय क्रिकेट में लंबे समय बाद देखने को मिला है। आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा ICC की लेटेस्ट ऑलराउंडर की टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। इस मैच से पहले रविंद्र जडेजा रैंकिंग में नंबर 3 पर थे। मोहाली टेस्ट मैच के बाद जडेजा को मौजूदा वक्त का बेस्ट ऑलराउंडर बताया जा रहा था, जिसका असर रैंकिंग में भी देखने को मिला। रविंद्र जडेजा इससे पहले भी ऑलराउंडर की रैंकिंग में नंबर 1 पर रह चुके हैं। साल 2017 में रविंद्र जडेजा सबसे पहले ऑलराउंडर रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे थे। तब उनके नाम 438 पॉइंट थे। ये लंबे समय बाद हुआ है कि जब किसी भारतीय ऑलराउंडर को टेस्ट क्रिकेट में ऑलराउंडर की सूची में पहला स्थान मिला हो। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय पूर्व कप्तान विराट कोहली को भी मोहाली टेस्ट से फायदा मिला है, क्योंकि मोहाली टेस्ट में उनके द्वारा खेली गई 45 रनों की पारी के बदौलत वो एक बार फिर से टॉप 5 में पहुँच गए हैं। विराट कोहली बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में 2 पायदान चढ़े हैं, लेकिन इस मामले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को झटका लगा है। वो अब छठे पायदान पर खिसक गए हैं। रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच में 29 रन बनाकर आउट हो गए थे, जिसका असर टेस्ट रैंकिंग्स में देखने को मिला है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।